क्या ज्यादातर गाने फिल्मी गाने दरबारी राग में होते हैं? और क्या दरबारी राग सीख लेने से हमें संगीत आ जाएगा? सिर्फ दरबारी सीख लें तो हो जाएगा काम। तो आप ऐसा कीजिए, सिर्फ दरबारी सिखा दीजिए हमें। ये वो सवाल है जो कुछ जो नए नए सीखने आते हैं स्टूडेंट्स, वो हमसे किया करते हैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो हमसे किया करते हैं, जिन्हें शायद कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता हैं, जिन्हें शायद थोड़े बहुत भ्रम हैं, कुछ भ्रम हैं कि उन्हें लगता है कि यार ये तो दरबारी में ही होता है। जैसे एक बार एक पंजाब से एक स्टूडेंट था, उसने मुझसे आके कहा कि भैया आप तो मुझे ऐसा कीजिए, दरबारी राग सिखा दीजिए, उसमें होते हैं सारे गाने, मैं तो हो जाएगा उतने में मेरा, ठीक है। जबकि उसको ना अलंकार आते, ना स्केल्स का कुछ पता, ना सुर का कुछ पता, ना लय, ना ताल का कुछ नॉलेज, लेकिन उसको बस दरबारी राग सीखनी थी। ऐसे ही आप में से काफी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी पसंदीदा कोई एक राग होगी कि हमें तो राग यमन सिखा दीजिए, यमन में ही होते हैं ज्यादातर गाने, हम उसमें गा लेंगे। भैरवी सिखा दीजिए, भैरवी तो हमारी फेवरेट है। ये कुछ रागों की पसंद सबके अलग अलग हैं कि ये मेरी पसंदीदा राग है, इसको सिखा दीजिए, इससे हो जाएगा सारा। तो आज ऐसी ही बहुत एक फेमस राग है, राग दरबारी, जिसमें कि मैं आपको वर्णन करूंगा कि फिल्मी गाने नहीं होते हैं। हमें लगता है कि ये गाने दरबारी में हैं क्योंकि सुर वही जा रहे हैं, है ना। तो हम उन गानों पे आज चर्चा करेंगे, थोड़ा फिल्मी गानों पे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ दरबारी सीख लेने से संगीत नहीं आ जाता है, ये भ्रम है जिसे हमें दूर करना होगा। आइए उस पर चर्चा करें। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम्हें आना। ये आपने सुना होगा। और ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ये आपने सुना होगा। तेरी मेरी, मेरी तेरी, प्रेम कहानी है नहीं। ये आपने सुना होगा। फिर तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। ये आपने सुना होगा। और तेरी गलियां, गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे भावे तेरी गलियां। ये आपने सुना होगा। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, ओ क्यों। ये आपने सुना होगा, है ना। और जैसे तुम ही हो आशिकी टू के गाने आपने जो सुने, तुम ही हो, है ना, ये आपने सुना होगा। फिर मुझ पे ही आके रुके, है ना। वो जो MS धोनी का है, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तो ये गाने आपने सुने हैं, आपने देखा है कि ये लगभग लगभग इसी स्वरूप में है ना। धनी सा रे गा मा बा दा मा गा रे गा मा बा दा बा दा सा नी रे नी धा सा, गधनी कोमल लग रहे हैं। अब ना तो ये आसावरी का चलन है, ना जौनपुरी का है, और ना दरबारी है। तो ये राग है कौन सी, है ना, जिसे हम कह देते हैं कि ये दरबारी है, अक्सर लोग कहते हैं, है ना। आपने इसमें गाने सुने, ये सारे मैंने गाने सुना दिए और ये इसी थाट में है। तो लोग कहते हैं कि क्या इस राग को सीख लेने से संगीत आ जाएगा? तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको सीख लेने से संगीत आ जाता है। दूसरी बात यह है
कि लोग आप देख रहे हैं बॉलीवुड में लगभग 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 सिमिलर सॉन्ग्स ही बन रहे हैं आजकल। जो वैरायटी है, जो वर्सेटैलिटी है, वो मैं कोई नहीं हूँ ये जज करने वाला, पर मैं फिर भी कहूँगा, आप सबकी नज़र से कहता हूँ कि वो कम हो गई है वर्सेटैलिटी। हम देख रहे हैं बहुत सिमिलर सॉन्ग्स बनते हैं, है ना, हर दूसरी मूवी में रोमांटिक सॉन्ग्स ही हो रहे हैं, सैड रोमांटिक सॉन्ग्स ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वैरायटी नहीं हो रही है, वो लोग काम अच्छा नहीं कर रहे, बिल्कुल मैं कोई नहीं हूँ इस चीज़ को जज करने वाला, ये चीज़ कहने वाला। बट ऑफकोर्स जो संगीत बना रहे हैं वो उनकी एक जॉब है, वो अपना काम कर रहे हैं, और जैसा संगीत मार्केट में चल रहा है, जो लोगों को पसंद है, वैसा वो बना रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही बन रहा हो, बट हम ये देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है, जिसे हम कहते हैं कि जो कमर्शियल सिनेमा है, जिसको लव स्टोरीज हैं आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बनती हैं, है ना, जो हम ज़्यादातर की बात करें, वरना आर्ट सिनेमा जो हम जिसको कहते हैं वो भी बन रहा है, और उसमें अलग अलग रागों का यूज़ होकर अलग अलग जॉनर के गाने भी बन रहे हैं, वो कमी नहीं है। पर हम देख रहे हैं ज़्यादातर, अभी आपको मैंने ये गाने सुना दिए, जो लव सॉन्ग दूसरा आ रहा है वो इसी में हो रहा है। इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है हम म्यूज़िक लर्नर्स का, जो बिगिनर्स हैं, उनको लग रहा है कि यार ये तो सारे दरबारी में, हम तो दरबारी सीख लेते हैं, दरबारी से हो जाएगा। पर आप देख लें, ये एक भी इनमें से दरबारी नहीं है, क्योंकि दरबारी बड़ी ही गंभीर प्रकृति की राग है, उसमें गीत जैसा कुछ बना पाना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि दरबारी बड़ी गंभीर प्रकृति है, उसमें वो जो मीण गमक जो आंदोलन है वो कहाँ से लाएंगे आप गीतों में। इनफैक्ट गज़लें बनना भी दरबारी में मुश्किल है, जैसे कि हम देखते हैं गुलाम अली साहब की, इतने सारे आपने गज़लें सुनी, हमको लगता है वो भी दरबारी में है, पर प्रॉपर दरबारी तो वो भी नहीं है, क्योंकि दरबारी का चलन ही नहीं है। दरबारी में शुद्ध निषाद थोड़ी लगता है जो वो लगा देते हैं खान साहब कभी कभार। अब मैं गुलाम अली साहब की दो तीन आपको गज़लें का हिंट देता हूँ। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला। अब तीव्र मध्यम का प्रयोग है जो प्रॉपर है ही नहीं, अब दरबारी में आता है क्या? और ना ये प्रॉपर दरबारी का चलन है। उनसे भी आप पूछेंगे तो वो भी ये नहीं बोलेंगे कि ये दरबारी है, है ना। उनकी और भी गजलें हैं जो ये कहानी है फिर सही, हमको किसके हमने मारा, ये भी देखो आप इसी चलन में है, लेकिन ये दरबारी नहीं है, है ना। तो ये काफ़ी सारे ऐसी गज़लें बनती है, लेकिन आप अगर खान साहब की, मेहदी हसन साहब की आप एक गज़ल सुनो तो वो प्रॉपर दरबारी में है। कुबकू फैल गई बात शनासाए के, कुबकू फैल गई। अब ये प्रॉपर दरबारी का चलन है, कितना गंभीरता है इसमें, है ना। अब जैसे गाने मैंने भी बहुत सारे बनाए हैं, जैसे आप वो सुने, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें छूने से डरता हूँ, ये मेरा ही बनाया एक गाना है, एक फिल्मी टच है इसका, लेकिन ये दरबारी नहीं है। आप कह रहे हैं, आपको लग रहा होगा, है ना, जैसे मैंने एक सुदर्शन फाखर साहब की गजल बनाई, मेरे दुख की कोई दवा न करो, मुझको मुझसे अभी जुदा न करो, लेकिन ये बिल्कुल दरबारी नहीं है, दरबारी का चलन नहीं। अब ये रे मा धा सा नी, ये दरबारी में लगेगा है, इस अंग से दरबारी बजेगी नहीं। तो दरबारी काफ़ी गंभीर प्रकृति रागे हैं, तो राग है, तो इन गीतों को कंफ्यूज ना करें दरबारी से, और ये मत समझें कि ये सब एक ही जैसे जॉनरा के, एक ही जैसी धुनों में हैं, तो हमें सिर्फ यही करना है। नहीं, आप यहाँ तक सीमित मत रखिए अपने लर्निंग को, संगीत सीखने के प्रोसेस को, अच्छे से सीखिए, ग्रामर सीखिए, अलंकार, थाट, स्केल्स, सभी थाट सीखिए, तब सभी हो सके तो रागें सीखिए, तभी जाके तो आप नया संगीत बना पाएंगे, वरना उसी जैसा संगीत बनेगा कि भाई ये तो निश्चित कॉर्ड्स हैं, इन्हीं की फैमिलीज पे हमने बना लिए गाने, लो बन गए गाने, फिर वो सेम निकलेंगे जैसा वो गाना, ऐसा ये गाना, ऐसा ये गाना, ऐसा ये गाना, तो फिर क्या ही सेंस रह जाएगा, फिर तो वही हो गया ना कि बिना सीखे आप बना रहे हैं तो सब जैसा ही बन रहा है। कुछ सीखेंगे, शास्त्रीय संगीत सीखने की सबसे खास बात यह है, और उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट ये मिलता है कि आप यूनिक हो जाते हैं, अलग दिखते हैं, अलग है ना, सबसे अलग है कि यार ये सीखा हुआ बंदा लग रहा है, तो वो कुछ कंपोजिशन अगर उसकी होती है, उसकी गायकी कुछ होती है, तो यूनिक होगी, कुछ नई होगी, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो कि दरबारी के गाने हैं ये सारे और दरबारी सीखने से हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही सीखते हैं ना संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल से। सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड शेयर करें इस वीडियो को, लाइक कमेंट करें, धन्यवाद।